हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज पीडी लियो एंड वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। सो गाइस, एज यू ऑल नो, अपना आज गाड़ी का बर्थ डेट है। एज यू ऑल कैन सी द RX 100 एंड अपने गाड़ी का, जैसा आप लोग को मालूम है, 9 अगस्त 1994। इसे एक बार दिखा दूँ, 9 अगस्त 1994, ये था अपने गाड़ी का बर्थ डेट। आज का वीडियो कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं है, डायरेक्ट एकदम, मतलब मेरा जो फीलिंग्स है रिगार्डिंग द बाइक एंड क्या ये स्पेशल क्यों है ये गाड़ी मेरे लिए इतना, एंड ये फैमिली में इतना टाइम तक था ये गाड़ी, तो आज हम लोग उस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। सो लेट्स गो। सो स्टार्टिंग ऑफ विद द वेरी फर्स्ट पॉइंट जो रहेगा, ये गाड़ी एज यू ऑल नो 27 ईयर्स हो गया इसको, अभी आज 2021 है अभी ये वाला जो ईयर चल रहा है, एंड 1994 से ये गाड़ी अभी 27 ईयर्स हो गया। एंड कोई भी ऐसा गाड़ी अभी तक आया नहीं मार्केट में जो इतना टाइम तक रह सकता है, एंड ये उसमें से है। अभी जैसे आप लोग को मालूम रहेगा, कोई भी गाड़ी का आजकल लाइफ स्पैन 6 साल से 7 साल, उससे ज़्यादा नहीं रहता है, लेकिन ये गाड़ी 27 ईयर्स चल गया है एंड अभी भी चल रहा है और बहुत साल चल सकता है, और कितना साल चलेगा उसका कुछ गारंटी नहीं है, लेकिन चल रहा है। तो हर गाड़ी को मेंटेनेंस लगता है, लेकिन ये गाड़ी भी, इसको भी मेंटेनेंस लगता है, लेकिन उतना नहीं लगता है जितना आजकल का गाड़ी को लगता है। सो ये गाड़ी का खास बात यही है कि मतलब बहुत कम प्राइस में ये मेंटेन रहता है एंड अभी तक चल रहा है, 27 ईयर्स हो गए और भी चलेगा। सो ये एक स्पेशल बात है गाड़ी का। एंड एज यू ऑल नो, ये गाड़ी एक ऐसा गाड़ी है मतलब जो बहुत टाइम से मार्केट में है, 90 से ये गाड़ी है, एंड जैसे कि आप लोग को मालूम रहेगा 1985 से गाड़ी का प्रोडक्शन चालू हुआ था, RX का जो सीरीज़, फिर उसके बाद RX-Z आया, RX-G आया और बाकी सब अलग अलग गाड़ी आते रहा। फ्रेम में मैं गाड़ी को दिखा रहा है, सो वो सब गाड़ी आते रहा एंड उसके बाद ऐसा हो गया कि मतलब अभी धीरे धीरे वो गाड़ी डिसअपेयर होने लगा फिर उसके बाद मार्केट में, लेकिन अभी भी अगर देखने जाएगा तो फिर यूथ में बहुत क्रेज़ है, क्योंकि सबको फास्ट गाड़ी का क्रेज़ है बहुत, एंड ये गाड़ी वो है वैसा फास्ट है ये, एंड ओल्ड जनरेशन का लोगों में भी बहुत क्रेज़ है ये गाड़ी का, क्योंकि वो लोग वो टाइम से वो गाड़ी को देख रहे हैं एंड इसलिए ये गाड़ी इतना क्रेज़ है यंग में भी, यंग लोगों में एंड ओल्ड लोग में भी। सो ये एक बहुत खास बात है गाड़ी का कि इसका फ़ैन फॉलोइंग सब जगह पे। सो गाइस, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मेरे को आता है अबाउट दिस बाइक इज़ कहाँ से आपने बनाया गाड़ी को एंड कितना खर्चा है, ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है। मतलब इतना साल जब भी मैं गाड़ी को ओन किया है ये, तो सब लोग का क्वेश्चन वही रहता है कि आपने गाड़ी किधर से बनाया, कितने में लिया, कहाँ से लिया और कितना खर्चा आया गाड़ी बनाने को। तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है एंड मैं हमेशा इसका आंसर देता है, क्योंकि ये गाड़ी रोज़ रोज़ मार्केट में दिखता ही नहीं है एंड एक करेज लगता है कि कोई एक ओनर को जाके पूछूं कि गाड़ी किधर से आपने लिया, क्या लिया। बहुत कम लोगों में इंटरेस्ट रहता है एंड मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है कि कभी कोई पूछ रहा है अगर गाड़ी के बारे में, तो मैं उनको बताऊँ अबाउट हाउ वॉज माई फीलिंग एंड किधर से मैंने ख़रीदा गाड़ी और क्या क्या मेरा, मतलब अच्छा लगता है बताने को, तो कभी मैं झिझकता नहीं उस चीज़ इसको बोलने के लिए। सो वो एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, मतलब जब भी मेरे को पूछते हैं कोई भी कि आपने गाड़ी कहाँ से बनाया एंड किधर से लिया। सो एंड बाकी आप लोग को तो स्टोरी मालूम ही है, पूरा सब यूट्यूब पे है अबाउट दिस बाइक। सो दैट्स दैट। एंड जो सबसे बोल सकते हैं मतलब RX को पहचानने वाला जो चीज़ है वो है इसका आइकॉनिक साउंड। अगर आप लोग साउथ का मूवी देखते, आई एम श्योर जो लोग सब लोग देखते ही है, क्योंकि आजकल कोई भी अगर मूवी चैनल अगर कोई चालू किया तो सबसे पहला हिंदी डब वाला साउथ मूवी रहता है, एंड उसमें ये गाड़ी सबसे ज़्यादा यूज़ किया है RX 100 को। एंड अभी भी कोई भी अगर मूवी में सीन ऐसा दिखाने का कि बाइक जा रहा है, ट्रैफिक है, तो ये बाइक का साउंड अभी भी यूज़ करते हैं डायरेक्टर्स मतलब मूवीज़ में। तो वो एक बहुत ही आइकॉनिक इसका साउंड इतना है कि मतलब गाड़ी अगर बिना देख के लोग, बहुत कम गाड़ी ऐसा रहता है कि मतलब जो लोग सिर्फ सुन के बता सकते कि हाँ ये गाड़ी जा रहा है अभी, तो ये उसमें से एक है। एंड RX 100 एक डेडिकेटेड मूवी भी बना है ये गाड़ी के ऊपर, जिसमें वो मूवी भी मैंने देखा है, जो उसका हीरो रहता है उसके पास ये गाड़ी रहता है एंड वो मूवी भी बहुत अच्छा है, मैंने भी देखा है वो मूवी, आप लोग भी श्योर चेक करो वो। सो ये गाड़ी का आवाज़ के वजह से इसको भी पहचानते हैं, तो वो भी एक बहुत खास बात है गाड़ी का। एंड जो सबसे मेन खास बात है ये गाड़ी का वो है क्रेज़ी फन टू राइड मोटरसाइकिल, एकदम पेपी मशीन है, मतलब कोई भी चला सकता है इसको, इजी है और बहुत फन टू राइड है। एंड ये एक ऐसा गाड़ी है जैसे कि मैंने आप लोग को बोला, यूथ में भी फेमस है एंड ओल्ड लोग में भी फेमस है। उसका पीछे का रीज़न ऐसा है, मेरे जैसा, अपने जैसा यूथ लोग इसको
ड्रैग रेस पे भी लेके जा सकते हैं, फुल्ली इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। एंड ये गाड़ी जो एक 20 साल का लड़का ड्रैग रेस पे लेके जा सकता है, वही गाड़ी को 50 साल का एक अंकल सुबह सुबह दूध लाने के लिए भी लेके जा सकते हैं। तो इतना ये गाड़ी का खास बात है कि मतलब खासियत ऐसा है कि ये बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड्स, मतलब कुछ भी काम कर सकता है गाड़ी। सो ये एक स्पेशलिटी है इसका। एंड और तो क्या ही बोलने जाएगा, मतलब स्पीडी लियो को लोग जानते हैं आर एक्स 100 के वजह से। एंड आर एक्स 100 अगर यूट्यूब पे कोई है तो स्पीडी लियो, तो ये गाड़ी से मेरा मतलब अभी पहचान हो गया है कि मतलब अगर आर एक्स 100 जा रहा है मतलब स्पीडी लियो ही होएगा। तो ऐसा एक खास बात है। एंड अभी तक मैं गाड़ी रखा है, और भी बहुत साल रहने वाला है मेरे साथ गाड़ी, किधर जाएगा नहीं है। एंड आई एम नॉट प्लानिंग टू सेल इट। सो दैट्स दैट। ये कुछ था अबाउट द आर एक्स 100। एंड बहुत सारा वीडियो हम लोग ने बना दिया इसके ऊपर, मॉडिफिकेशन होने दो या कोई भी टॉपिक होने दो, हर चीज़ के ऊपर वीडियो बन जाता है उसके ऊपर। एंड अपना स्क्वाड जो है वो देखता ही रहता है, जितना भी वीडियोस आएगा सब पसंद आता है उन लोग को। एंड और भी हम वीडियोस बनाते जाएंगे ऑन द आर एक्स 100। सो एंड में मैं आप लोग को ये बोलेगा, जैसे कि आर एक्स 100 का जो टैगलाइन है, ऑल ओवर अफेयर दैट नेवर एंड्स एंड दैट इज़ ट्रू। Never cease to fight for the things you think are right, 'cause you just might find you control your own mind. Hey, you'll be fine. Hey, just take your time. Hey, enjoy the climb. Hey, enjoy the grind. Hey, you never really know what's on the other side till you give that shit a try. Know the limit is the sky. Hey, make